हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम सेकंड लेसन वर्किंग टुगेदर यानी कि एक साथ काम करने इसका टाइटल है उसके बारे में पढ़ते हैं। बच्चों ये जो एक्सट्रैक्ट है ये जेआर वेस के उपन्यास स्विस फैमिली रॉबिन्सन से लिया गया है। इसमें पढ़ेंगे कि किस तरह से एक तूफान में एक जहाज के नष्ट हो बर्बाद होने के बाद एक द्वीप पर एक परिवार का जो ठिकाना होता है, रहने की जगह होती है, वो किस तरह से बर्बाद हो जाता है और वो किस तरह से फिर एक साथ काम करके अपने लिए रहने की जगह बनाते हैं। तो अब यहाँ पर इससे इस घटना को बताएंगे इस कहानी में। उस रात यहाँ पर अब जो राइटर है वो अपनी बात बताता है कि दैट नाइट वी स्लेप्ट ऑन द ग्रास अंडर द ट्रीज, कि उस रात को हम एक पेड़ों के नीचे घास पर सोए हुए थे और सुबह हमारा पहला काम था सीढ़ी बनाना। जिस घर को हम एक बड़े से पेड़ में बनाने जा रहे थे उस पर चढ़ने के लिए हमारे पास एक सीढ़ी चाहिए थी, ज्ञान ट्री मतलब बड़े से पेड़ पर। We had plenty of rope, but we needed pieces of bamboo. हमारे पास रस्सी तो बहुत सारी थी लेकिन सीढ़ियाँ बनाने के लिए तो और भी कुछ धनुष बाण बनाने के लिए भी हमें बांस के टुकड़ों की ज़रूरत थी। तो हमें जंगल से कुछ दूर पर नदी के किनारे कुछ बांस से कुछ दूरी पर कुछ बांस उगे हुए मिले। We cut the pieces we needed and bound them together in the bundle to carry the वुड्स। तो हमने अपने ज़रूरत के टुकड़ों को काट लिया और आपस में एक साथ जंगल में ले जाने के लिए उनके बंडल बना लिए, इकट्ठा कर लिया। तो हमारे रास्ते में अर्नेस्ट कैरिड द बंडल विल फ्रिट्स एंड आई हेल्ड अवर गन्स रेडी फॉर वी नेवर न्यू व्हाट वाइल्ड एनिमल वी शुड मीट। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमारे रास्ते में अर्नेस्ट ने बंडल ले लिया और जबकि फिट्स और मैंने अपनी बंदूकें तैयार रखी, क्योंकि हमें पता नहीं था कि हम जिस जंगली रास्ते से जा रहे हैं वहाँ हमें कोई भी जंगली जानवर मिल सकता था। अवर ब्रेव डॉग फ्लोरा वॉक्ड इन फ्रंट ऑफ अस। हमारा जो बहादुर कुत्ता था फ्लोरा वो हमारे सामने चला। अचानक से फ्लोरा कुछ झाड़ियों में कूद गया, जोश वो बहुत ज़्यादा जोश से भौंक रहा था। तुरंत राजहंसों ने का फ्लेमिंगोज मतलब राजहंस का झुंड उड़ा। सीढ़ी बनाने में बहुत समय लगा लेकिन रात होने से पहले किसी तरह से वो काम में सफल रहे। देन वी हैड टू फिक्स इट ऑन ऑफ द लोअर ब्रांचेज ऑफ अवर ज्ञान ट्री। फिर हमें इस अपने बड़े से पेड़ के निचली ब्रांच में से एक में इसे लगाना पड़ा। तो वी डिड दिस बाय शूटिंग एन एरो। ये सब उन्होंने एक तीर चलाकर किया जिसमें एक रस्सी जुड़ी हुई थी, वो ब्रांच के ऊपर तीर चलाया और फिर सीढ़ी को ऊपर खींचा गया और जगह पर ठीक कर दिया गया। इट टूक अस सेवरल डेज टू मेक अवर हाउस इन द ट्री। पेड़ में अपना घर बनाने में उन लोग को कई दिन लग गए। छोटों ने क्या किया, समुद्र के किनारे तक तो जो प्लैंक्स चाहिए थे तख्ते उनकी तलाश करने में मदद की। उन्होंने गाय और गधे की पीठ को फीका कर दिया एंड उन्हें उनके पास ले आए। फिट्स और जो राइटर है वो पेड़ के बीच में बड़े बड़े टहनों को काटने में बिजी हो गए और फिर उन्होंने कुछ प्लैंक्स को गिरा दिया और उसके चारों तरफ एक लकड़ी की बाड़ के साथ एक फर्श बना लिया और उन्होंने कुछ ऊंची ऊंची ब्रांच पर छह झूले लटकाए और आखिरी में उन्होंने रूल बनाने के लिए अपने ऊपर की शाखाओं के सेल्लो से ढक दिया। मेड ए फ्लोर विद ए वुडन फेंस अराउंड इट, उसके चारों तरफ लकड़ी का बाउंड्री कर दी, लकड़ी की छत बनाने का उन्होंने उसके बाद उसका डिसाइड किया और उसके बाद उन्होंने आई इंटेंडेड टू मेक ए वुडन रूफ, लकड़ी की छत बनाने का उन्होंने सोचा। छत बनाने वाले पाल के कपड़े ने भी घर की दो दीवारों को बना लिया था।
जो सेल क्लॉथ होता है, सेल क्लॉथ होता है कि जिस जो नाव में लगाया जाता है सेलिंग के लिए, जो दिशा बना बताते हैं कपड़ा हवा के तेज झोंकों को भी बर्दाश्त कर जाता है। उस तरह उस कपड़े ने भी उस घर की दो दीवारों को बना दिया, तीसरी दीवार पेड़ का तना बन गया और चौथा जो साइड था वो खुला रह गया। इससे उन्हें समुद्र के ट्री टॉप्स पर एक बहुत सुंदर सा सीन दिखा। इन सब के अलावा उन्होंने पेड़ के नीचे रखा था वो था उनका भोजन का कमरा, डाइनिंग रूम, जहाँ पर बैठकर वो खाना खा सकते थे। बाय संडे अवर होम वाज फिनिश्ड, रविवार तक उनका घर का काम खत्म हो चुका था। उस दिन उन्होंने प्रेयर की, आराम किया और प्यार से एक खुशी से एक बातचीत करने के लिए हमेशा के लिए रखा संडे का दिन। अब राइटर ने कहा कि उन्हें लगता है कि ये उनके लिए हमारे घर को नाम देने का समय है, कि अब उन्हें अपने घर को कुछ नाम दे देना चाहिए। इसलिए अपने परिवार से कहा और हमें द्वीप के बाकी जगहों के नाम देने चाहिए, कि हम जानते हैं कि हम उन नामों के बारे में सोचते हैं जो हमें हमारे कारनामों की याद दिलाएंगे। एक अच्छा विचार, ऐसा कर वो सब उससे सहमत हो गए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम उस खड़ी को क्या नाम देंगे जहाँ हम उतरे थे, उस खाड़ी को क्या नाम देंगे जहाँ पर वो उतरे थे। अर्नेस्ट ने कहा चलो इसे सेफ्टी बे बोलते हैं। उसकी पत्नी ने कहा क्योंकि अच्छे भगवान ने हमें सुरक्षित तरीके से वहाँ पे लाया था, तो हम सभी सहमत थे कि नाम एक अट्रैक्टिव था। चलो पुल, परिवार पुल कहते हैं, लेट्स कॉल इट सेफ्टी बे, क्योंकि वी ऑल एग्रीड दैट द नेम वॉज एन एक्सीलेंट वन। ये सब लोग सहमत हो गए कि आप ये एक अच्छा नाम था। द प्लेस वेयर वी फाउंड द फ्लेमिंगो शुड बी कॉल्ड फ्लेमिंगो मार्श, कि वो जगह जहाँ पर उन्होंने फ्लेमिंगो को आए थी, बहुत सारे फ्लेमिंगो उड़ी थी, उस जगह को उन्होंने फ्लेमिंगो मार्श का नाम दिया। अर्नेस्ट ने कहा एंड आगे दोबारा से वो सब उस बात से सहमत हो गए। लेट्स कॉल द ब्रिज फैमिली ब्रिज, अब उन्होंने कहा कि इस ब्रिज को हमें फैमिली ब्रिज के नाम से बुलाना चाहिए। उसकी पत्नी ने उसे सजेस्ट किया क्योंकि सारे परिवार वालों ने उसे बनाने के लिए मदद की थी, हम सब ने एक साथ मिल कर के वो घर बनाया है, इसलिए उसका नाम फैमिली ब्रिज रख दिया उस पुल का नाम। लेट्स गिव द नेम ऑफ केप डिसअपॉइंटमेंट टू द प्लेस वेयर वी लुकड इन द वेन फॉर सेलर, अब केप ने बहुत ही निराशा से कहा कि हमें उस जगह का क्या नाम देना चाहिए जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा परेशानी में थे। तब राइटर ने कहा कि उस जगह का नाम हम केप डिसअपॉइंटमेंट रख देते हैं जहाँ पर हम नाव चलाने वालों के लिए हमने बेकार देखा था। तो फिर चलो सियार नदी को बुलाते हैं, जैक ने कहा कि चलो अब सियार नदी को बुलाते हैं। तो सो फॉर वी वर इन कंप्लीट एग्रीमेंट, अब तक सब लोग पूरी तरह से सहमत हो चुके थे। हाउएवर वी कुड नॉट एग्री ऑन द नेम फॉर आवर न्यू होम, हालांकि अब तक वो अपने नए घर के नाम पर सहमत नहीं हो पाए थे। उस कॉल इट ईगल्स नेस्ट, वट अबाउट दैट कैसल और फिग टाउन, उस कैसल या फिग टाउन के बारे में क्या, लड़कों ने सुझाव दिया। बट आई डू नॉट लाइक इधर नेम, लेकिन मुझे इन दोनों में से कोई भी नाम पसंद नहीं आया, इसे ईगल्स नेस्ट कहते हैं, फ्रिज ने कहा। तो अवर हाउस इज मोर लाइक ए नेस्ट देन ए कैसल और ए टाउन, कि हमारा जो घर है वो एक महल या शहर की तुलना में घोंसले की तरह है। चील पक्षियों का राजा है, ईगल इज द किंग ऑफ बर्ड्स एंड वी आर लाइक किंग्स हियर, चील पक्षियों का राजा है और हम यहाँ राजाओं की तरह हैं। हम अभी तक राजा नहीं हैं, मैंने उन्हें बताया। लेट्स कॉल इट फैल्कॉन्स नेस्ट, चलो हम इसे फैल्कॉन्स नेस्ट कहते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी भी बाजों की तरह बहादुर हैं। फिर वो कहते हैं हाँ हाँ, सभी लड़के एक साथ चिल्लाने लगते हैं और हम इसे फॉल्कन्स नेस्ट के नाम दे देते हैं।
तो इस तरह से ये घटना थी बच्चों। इस कहानी का ये हिस्सा J.R. वीस ने लिखा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।